Oh, yeah.
रामचंद्र के सामने माता के कई भगवान वस्त्र लेके खड़ी है। भगवान ने भगवान वस्त्रों का बंधन किया और कैसा रूप बनाया है, चिंता में पड़े हैं। 12 साल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, अपने अयोध्या नगरी को प्रणाम किया है। अयोध्या नगरी, अगर मैंने कोई सत्कर्म किया है, पुण्य किया है और उसका फल मुझे मिले तो मैं वापिस अयोध्या में लौट के आऊंगा। आगे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र बीच में माता सीता पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे, सारी अयोध्या पीछे भाग रही है। लेकिन भगवान कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा तेरे सगे संबंधी भी तेरे साथ चलेंगे लेकिन शमशान घाट तक, उसके आगे नहीं। बोले शंकर भगवान, उसके आगे तुझे अकेले ही जाना होगा। मैंने पुण्य किए हैं, भगवान कहते हैं मैंने पुण्य किए हैं, इसलिए आज मेरी पत्नी मेरे साथ जा रही है, मेरा भाई मेरे साथ जा रहा है, लेकिन तेरा कोई सगा संबंधी तेरे साथ नहीं होगा जाने को क्या। क्योंकि जो पुण्य आत्मा होती है, जो धर्म का पालन करती है, अपने हर कर्तव्य का पालन करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, उसका परिवार तो उसके साथ चलता है। बोले शंकर भगवान, चले गए भगवान जंगलों में भटकते हुए जा रहे हैं। भक्तों, माता की ममता बड़ी अंधी होती है, पुत्र कितना भी बेकार हो जाए लेकिन माता की ममता कभी कम नहीं पड़ती। माता कौशल्या कभी घर के अंदर रोती है, कभी घर के बाहर रोती है।
एक दिन एक कौवा आगे आंगन में बैठ गया। माता कौशल्या ने उस कौवे को अपना धर्म का भाई बना लिया। माता कौशल्या कौवे से कहने लगी, काले बिहारी लाल की आंखों में आंसू आ गए। माता को संध्या से पूछने लगे, वो कितने कौआ पूछने लगा, बहन तेरे पितरों की उम्र कितनी है, मैं कैसे पहचान करूंगा, मुझे बता दे थोड़ी सी पहचान। माता कौशल्या की आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। कौओं को समझाने लगी, ओ बारह साल दे कहने लगी, मेरे भाई 12 साल उम्र मेरे पुत्रों की है, 14 वर्ष का वनवास मिला है। कौआ उड़ गया, बोले शंकर भगवान की, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जंगलों में भटकते हुए जा रहे हैं, कहां पहुंचने वाले हैं, सरयू नदी के घाट के ऊपर। और सरयू नदी के घाट के ऊपर एक केवट रहता है, अपनी नाव भी चलाता है और भगवान का भजन भी करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुख में हो राम 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 सेवा, साथ में मुख से भजन करो, हाथों से गृहस्थी का काम करो। भगवान ये नहीं बैठते कहते कि तू एक जगह बैठ के भजन कर, काम करता है मुख से भजन करता है। बोले शंकर भगवान केवट वही करता है, अपने परिवार को भी पाल रहा है और भजन भी कर रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र सरयू नदी के घाट के ऊपर पहुंचने वाले हैं, केवट को पता चले, क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान के आने का पता चल जाता है। अपने नाम को सजाना शुरू कर दिया, धन्य है केवट और धन्य है केवट की भक्ति। सबके जीवन की नैया को पार लगाने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र आज केवट के नाव में बैठ करके सरयू नदी को पार करेंगे। नाव को सुंदर सजा दिया,
इतने में प्रभु श्री रामचंद्र सरयू नदी के घाट के ऊपर पहुंच गए। केवट की आंखों से भगवान का प्रेम बरसने लगा। आज जन्म जन्म की भक्ति सफल हो गई। सरयू नदी का जल लेकर के भगवान के चरणों को धुलाने लगे और भगवान के चरणों का जो जल निकला आंखें बंद करके पी रहे हैं। आज सब पाप भी धुल गए। बोले प्रभु को नाव में बिठाया, नाव चलने लगी। उसी गंगा जी के Thank you.